एक बड़ी खबर इस वक्त खबर मिल रही है कि नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग गई है। जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार होंगे। ललन सिंह ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा है जिसे नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया है और जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने थोड़ी देर पहले इस्तीफा दिया था स्वेच्छा से। उसके बाद नीतीश कुमार के नाम और नीतीश कुमार ने जिम्मेदारी संभाली। जी मैं कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा, इसलिए उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। विजय जी, एक नाराजगी की बात थी ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों के बीच में, क्या वो एक मुख्य वजह रही ललन सिंह के इस्तीफे की? किस चीज की? ललन सिंह के इस्तीफे की मुख्य वजह के दोनों के बीच में जो नाराजगी है वो भी एक मुख्य वजह रही। नाराजगी? बिल्कुल। इतना नया शब्द आप कहाँ से ला रहे? विजय जी, ये इस शब्द का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। चौधरी जी, विजय चौधरी जी, ये बताइए कि आप नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गए तो क्या बनेंगे? अभी बनेंगे तो पॉलिटिकल रियलाइनमेंट की भी बात होगी? अभी अभी बिल्कुल रियलाइनमेंट की बात नहीं है। अभी सिर्फ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने के कारण लगातार बाहर रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष का पद भी संभालें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए अभी तो हमारे पार्टी पर भी कोई असर, दोनों वरिष्ठ नेता हैं और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू थे तब भी मुख्यमंत्री की प्रभावी भूमिका थी। अब मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, फिर भी ललन बाबू की प्रभावी भूमिका रहेगी। तो क्या बीजेपी के जो दरवाजे थे 2017 में जैसे खुले थे और अचानक सारे विधायक सीएम हाउस में घुस गए, क्या उसी तरह की पटकथा फिर लिखी जा सकती है? इस बात का उन सब बातों से कहाँ कोई मतलब है, न कोई जुड़ाव है, न कोई लेना देना है। इसलिए इस बात का सिर्फ इतने मतलब था। जुड़ाव तो है विजय भाई? नहीं, जुड़ाव है जुड़ाव इसलिए है विजय जी, जुड़ाव इसलिए है कि किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले तो नहीं हटता है। नहीं, हटने की कहाँ बात है, फिर आप हटने, हटना, हटाना, ये सब शब्द कहाँ से ला रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब हम स्वयं चुनाव लड़ेंगे, इसलिए लगातार बाहर रहेंगे, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। और हमने कहा कि दोनों पहले प्रभावी दोनों की भूमिका होती थी, आगे भी रहेगी। कितनी बड़ी भूमिका मानते हैं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बनते हैं और उसके बाद जो सरकार आप लोग बिहार में चला रहे हैं उसको कितनी मजबूती मिलेगी? मजबूती ही है, उसमें फर्क क्या है? पहले एक नेता थे, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ललन बाबू पहले भी वरिष्ठ नेताओं में से थे, अभी भी वही उनकी भूमिका रहेगी। मेन वजह क्या मानते हैं ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के जोड़ने छोड़ने की वजह? उनका चुनाव लड़ने जाना। जाहिर सी बात है, जैसे कि आप देख वो तो है, लेकिन अंदर क्या?